अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लतीफ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में फसल पर पाला गिरने की एक समस्या आती है, किसान भाइयों को इसकी जानकारी होगी और इससे कैसे बचा जा सकता है उसकी जानकारी मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उस पर एक बार क्लिक करते ही मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ एक बेल आइकन भी दिखेगी, उस पर भी एक बार क्लिक कर दें जिससे आप पर नोटिफिकेशन आना चालू हो जाए। मैं लतीफ कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ कुरैशी बेस्ट गार्डनिंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, पाले से अपनी फसल को कैसे बचाएं। पाला गिरने की जो आशंका होती है वो दिसंबर और जनवरी माह में बहुत अधिक होती है। रात में तापमान शून्य से नीचे होने पर पौधों की कोशिकाओं में मौजूद जो जल होता है वह ठोस बर्फ में बदल जाता है, जिससे कोशिकाओं की जो दीवारें होती हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस वजह से इस जो पेड़ों की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है। तो दोस्तों, इससे बचाव करने के लिए आपको क्या करना है, पाला पड़े तो आपको सबसे पहले शाम के समय खेत में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे पाले से आप बच सकते हैं। इसके लिए आप स्प्रिंकलर का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा असर दिखाई देगा। दोमट मिट्टी यदि आपकी है तो आप उसमें रेतीली मिट्टी मिला दें तो उससे भी पाले का असर कम हो जाता है। रात को पाला पड़ने की जो आशंका होती है वह रात के 12 बजे से 2-3 बजे तक होती है, क्योंकि इसी समय हवा चल रही होती है और जिस दिशा में हवा चल रही होती है उस दिशा में यदि मेड़ों के आसपास आप घास फूस जो होता है, जो खरपतवार आपने तोड़ के इकट्ठे किए होते हैं, वो सूख जाते हैं, उनको मेड़ों के आसपास जला दें तो आप पाले से बच सकते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग करके यदि आप फसल को ढक सकते हैं, मल्च आपने सुना होगा मल्चिंग करना, तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो भी आप पाले से बच सकते हैं। दोस्तों, फसल पर पाले से आपको बर्फ की तरह ठोस ठोस बूंदें दिखाई देंगी। यदि आप सूर्य उदय से पहले ही अपने खेत में रस्सी एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक रस्सी लेके आप उस पर घुमा दें तो फसलों पर जमी हुई जो पानी की बूंदें हैं वह गिर जाएंगी, जिससे पाले से आप बच सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।